अरे भैया कौन सो रहा है, जरा सर बाहर निकालो। रोड पे क्यों सो रहे हो? रेन बसेरे बनाए हैं तो रेन बसेरों में क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश में कपकपा देने वाली कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। मुरादाबाद की बात करें तो रात में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। दिन में जहां न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री दर्ज किया गया तो वहीं रात में 3 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज हुई। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि रात के खुले आसमान के नीचे रात बिताना कैसा होगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि खुले आसमान के नीचे कोई मजदूर ना सोए, लेकिन महानगर की सड़कों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित सार्वजनिक स्थल पर मजदूर खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर है। मुरादाबाद में मजदूर और गरीब खुले आसमान के नीचे ठिठुर रहे हैं, क्योंकि खुले आसमान के नीचे रात बिताने वाले मजदूर चादर और कंबल में ही करवटे बदलते रहते हैं। वहाँ पे क्यों नहीं सोती, यहाँ पे रेन बसेरा बना हुआ है? वो तो मार के भगाता है। मार को भगाते हैं वो। मार के भगाता है क्यों? रुकने नहीं देते हैं। पानी की बोतल रुकने नहीं देते? क्या कहते हैं? मना करते हैं। मना करते हैं? क्या बोलते हैं? यहाँ नहीं रुकता कोई भी, यहाँ से जाओ। तो वो तो आप ही लोगों के लिए बना हुआ है। कोई बात नहीं, किसी के लिए बन जाऊंगा। वहीं सभी रैन बसेरों में लोगों को बिना आधार कार्ड के प्रवेश नहीं है, और ऐसे में कई लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर भी हैं।